स्वागत है साथियों आप सभी का ट्रेड द ट्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून के लिए इंट्राडे स्टॉक्स की, और बात करेंगे कि आज की मार्केट का क्या हाल था, कैसा दिन था आज। मेरे लिए तो आज काफ़ी टफ दिन रहा है, बहुत ही मुश्किल हुआ है प्रॉफिट निकालना। एकदम न्यूट्रल सा दिन कह सकते हैं कि ना एकदम से लॉस हुआ है और ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। एकदम से ट्रेंडी डे नहीं था कि मूवमेंट जो है 10 बजे के बाद एकदम साइडवेज थी। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा था। मुझे जो समझ में आया कि अगर आपने 9:45 या 10 बजे तक ट्रेड किया, 9:15 से 10 बजे तक ट्रेंड जो था एकदम डाउन ट्रेंड था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मूवमेंट था, जिसमें जिसने भी ट्रेड किया होगा डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने के हाई चांसेस इस जोन में रहे होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के हाई चांसेस रहे होंगे। लेकिन 3:10 के बाद ज़्यादातर स्टॉक्स में एक अच्छा पंप देखने को मिला, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है काफ़ी स्टॉक्स में 3:10 के बाद। तो ट्रेड करने का सही टाइम क्या था आज के दिन में, 10 बजे से पहले और 3 बजे के बाद। बीच का जो ट्रेड था उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं थी, उसमें रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। रिस्क आपका सेम ही रहता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को कवर नहीं कर सकते। आपने इस तरीके से ट्रेड करना है कि आपके तीन से चार अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएं। इतना टाइट आपको स्टॉप लॉस दोस्तों रखना है, तभी आप ट्रेडिंग में सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज महीने 2 महीने में आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना आपका डोरमेंट हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपके लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आज के दिन के कुछ चार्ट्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये चार्ट है रुचि सोया का। रुचि सोया सबने सुना होगा कि 3 रुपये से लेके कितने रुपये से ये 1500 रुपये तक टच कर गया है। अब ये गाड़ी जो है उल्टी चल पड़ी है। अब ये जो इसने टेक ऑफ किया था, अब ये लैंड करेगा। इसी तरह देखिए लोअर सर्किट चलता चला जाएगा। आप जो लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं साथियों, आप जो लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं उनकी कैपिटल आधी ख़त्म हो जाएगी इसमें, एटलीस्ट आधी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं रेगुलेटर्स हैं इंडिया में, क्या उन्होंने इस पर कुछ देखा है, इसको चेक किया है या नहीं किया, स्क्रूटिनाइज किया है नहीं किया। लेकिन ये कोई शेयर ट्रेडिंग का किसी भी रूल को, मुझे नहीं लगता कि किसी रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि इतना अपर सर्किट चलता ही जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे शेयर में घुस जाते हैं, फिर उनका कैपिटल जो है हाफ रह जाता है कुछ टाइम में ही। अब देखिए देखते हैं, हमारे लिए ये एक देखने लायक है कि 1500 से अब इसका लोअर सर्किट कब ओपन होगा और कब ये जो इन्वेस्टर्स हैं अपना स्टॉक बेच पाएंगे। देखिए लोअर सर्किट का आपको मतलब समझा दूं, जो लोग नहीं समझते हैं, लोअर सर्किट में कोई भी बायर नहीं होता है, कोई भी बायर नहीं होता, सिर्फ सेलर्स होते हैं, और वो स्टॉक आप अपना बेच नहीं सकते। और यहाँ से अगर ये होता, अगर यहाँ तक आ जाता है 750 तक, तो जो लोग यहाँ पे बाय किए हैं उनका हाफ कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो सर्किट में स्टॉक्स चलते हैं, पहले मैंने आपको अडानी ग्रीन के बारे में भी वॉर्न किया था, मुझे मैसेज आ रहे थे कि अडानी ग्रीन सर्किट में चल रहा है, काफ़ी इसमें प्रॉफिट है, तो ऐसे स्टॉक से आपने दूर रहना है, ऐसे स्टॉक से आपने दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल एकदम से ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रह जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कल के एक आधे स्टॉक की। कल देखिए मैंने आपको मैंने एक स्टॉक के बारे में बताया था कि ट्रेंड जो है 600 तक यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, 1 आवर के चार्ट में बताया था। कल की वीडियो में भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी होगा, टेलीग्राम पे भी होगा। 1 आवर के चार्ट में बताया था कि 600 तक यहाँ पे जो है ये करेक्ट हो सकता है, और आज ये जो है 694 से 645 तक करेक्ट हुआ है। तो इसमें एटलीस्ट 20-30 पॉइंट कैच किए जा सकते थे, इसमें एटलीस्ट 20-30 पॉइंट कैच किए जा सकते थे। लेकिन वही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया कि आज की मार्केट 10 बजे से पहले और 3 बजे के बाद ही बड़ी मूवमेंट हुई है। बीच की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल यूं रही है, जिसमें दो ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, फिर दो रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो आपको इंतज़ार करना है, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिंग में, आपको इंतज़ार करना है कब स्टॉक आपके पॉइंट पे आएगा जहाँ से उसने वर्टिकल मूवमेंट करनी है, ऊपर या नीचे। वर्टिकल मूवमेंट में ही आपको फ़ायदा है, जैसे कि ये स्टॉक यहाँ से कर रहा है, अगर वो साइडवेज चलता है तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए सेम ही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको लाया हूँ, ये बजाज फिनांस का आज का चार्ट है। 9:45 तक ये चार्ट
2860 रुपये से 2860 से और 2772 तक आया है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90 पॉइंट्स यहाँ पे शुरू के आधे घंटे में 90 पॉइंट्स ये गिरा है। उसके बाद यहाँ से लेके और 3:10 तक अगर आपने इसमें कहीं भी ट्रेड किया है तो हाई चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मेरा भी इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आज इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन देखिए ऑपरेटर का क्या गेम है कि वो करेक्शन भी अर्ली करेगा और जब पंप करेगा तो 3:10 के बाद करेगा। जब ज़्यादातर लोग एग्जिट कर चुके होते हैं, लैपटॉप क्लोज कर देते हैं, ट्रेड में नहीं बने रहते, जब ऐसे टाइम पे इसने पंप किया है कि आप उसको कैच ना कर पाएं, और बीच में लोग ट्रेड करते रहे क्योंकि आदत हो जाती है ट्रेड करने की, ट्रेड ओवर ट्रेड करने की आदत है। हमें ट्रेड करने की आदत नहीं है, हमें ओवर ट्रेड करने की आदत है। हमें ज़रूर जहाँ पैसा नुकसान दिख रहा है वहाँ भी हमें प्रॉफिट होगा, जहाँ पे मतलब नुकसान होने के चांसेस हैं वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट दिखता है और हम बिना बात ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड जब तक मत कीजिए जब तक आपको कुछ लॉजिकल ना दिखे। लॉजिकल दिखता है वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो भी वो सही है, क्योंकि आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। लॉजिकल करेंगे तो 10 में से 5 आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे और ओवरऑल प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों निफ्टी बैंक का चार्ट है, बैंक निफ्टी का, बस छोटी सी चीज़ आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये जो अप ट्रेंड लाइन है, ये जो अप ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से ये चार्ट पंप होता है तो ये पिछले 22,500 जो हाई है इसको भी ब्रेक कर देगा। 22,400 जितना भी हाई है, 22,500 अगर यहाँ से ये पंप होता है तो ये नया हाई पिछली वेव से नया हाई, न्यू हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा और 22,500 तक को ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये अप ट्रेंड अगर ब्रेक हो जाता है, ये अप ट्रेंड अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको सीधा 19,500 तक ये चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे 19,500 तक ये बैंक निफ्टी दिखे। चार्ट्स कुछ लेके आया हूँ इंट्राडे के लिए, 3-4 दिन तक हम इनको नोट कर सकते हैं कि 3-4 सेशंस तक क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों मेरी सभी पर्सनल एडवाइस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके ट्रेड करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको चार्ट समझा रहा हूँ कि कैसे मूवमेंट होती है। ये देखिए ये ट्रायंगल मैं आपको काफ़ी दिनों से दिखा रहा हूँ रिलायंस के चार्ट में, लेकिन बुल्स इसको सपोर्ट किए हुए हैं, बुल्स इसको डिफेंड किए हुए हैं, लेकिन लास्ट में जो इसकी मूवमेंट है ये मूवमेंट से जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होती है तो 1710 से 1650 एक ही दिन में पॉसिबिलिटी है कि एक ही दिन में हो जाए। 1710 से 1650 आने की पॉसिबिलिटी एक दिन की हो सकती है यहाँ से, अगर ये ट्रायंगल डाउन साइड में ब्रेक होती है तो। ये चार्ट है दोस्तों HDFC बैंक का, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, इस कैंडल का रेजिस्टेंस देखिए, इसके ऊपर गैप भी है, तो इस रेजिस्टेंस से आज ये छोटा सा रिजेक्शन HDFC को मिला है। लेकिन पिछले हाई को देखें, इस कैंडल के पिछले हाई को देखें जो कि 1066 है, उसको इसने क्रॉस कर लिया और एक नया हाई बना लिया है। नया हाई बना लिया है तो आपको देखना है कि 1080 से ऊपर अगर ये स्टेबल होता है, 1080 से ऊपर, तो हाई चांसेस है 1124 तक एटलीस्ट ये टेस्ट करेगा 1124 को। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो कहाँ टेस्ट करेगा, 1045 को। तो कल अगर स्टेबल हो जाता है 1080 के ऊपर, 1080 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो एटलीस्ट ये टेस्ट कर सकता है 1124 को। अगर ये 1080 से रिजेक्ट होता है तो 1045 को यहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है। दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ लेवल्स बता सकता हूँ, मार्केट की मूवमेंट नहीं बता सकता। मार्केट की मूवमेंट बड़े जो बिग बॉयज़ हैं जिनके पास हाई वॉल्यूम है वो लोग मार्केट की मूवमेंट डिसाइड करते हैं, हम लोग सिर्फ उनके साथ चल सकते हैं तभी हम कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये चार्ट है दोस्तों HDFC का। HDFC देखिए काफ़ी टाइम से 4-5 कैंडल देखिए कैसे सेलिंग प्रेशर है इस पर, एकदम से प्रेस किए जा रहे हैं, जिस तरह से इसकी मूवमेंट है और आ रहा है सही, एकदम वीक लग रही है। तो इस सपोर्ट पे एटलीस्ट इसको इस गैप को फिल करना है और 1720 से 1680 की मूवमेंट बड़ी जल्दी हो सकती है। 1720 से 1720 का जो लेवल है उससे नीचे और 1680 तक मूवमेंट काफ़ी ईजी इसमें हो सकती है HDFC में। ये चार्ट है दोस्तों श्री राम ट्रांसपोर्ट का, इसमें देखिए जो भी कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करती है उसको प्रेस कर दिया जाता है। 2-3 कैंडल देखिए कैसे एकदम से सेलिंग प्रेशर है इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे। तो अगर यहाँ पे इस कैंडल को देखूँ मैं तो ये अपनी मूविंग एवरेज को एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है। मूविंग एवरेज रहेगी 660 पे, 660 को यहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट।
ये चार्ट है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज का। पीडी लाइट में देखिए कैसे वेज बन रही है, और काफी वीक लग रहा है यहाँ पे चार्ट, कैसे वेज बन रही है और एकदम से वीक चार्ट लग रहा है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो जाती है वेज, तो काफी डाउन साइड इसमें देखने को मिलेगी 2 या 3 सेशन तक, मतलब 2-3 सेशन तक इसमें आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है 1340 तक, एक दिन में पॉसिबिलिटी है कि 1340 तक यहाँ पे हो सकता है ये वेज अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो। ये चार्ट है दोस्तों टाटा स्टील का। इस पैटर्न को देखिए, टाटा स्टील के इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हैं कि इस पैटर्न को देखिए कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज से एकदम से बाउंस हुआ है। मूविंग एवरेज से अगर ये बाउंस हुआ है, अगर ये ऊपर टेस्ट करता है, इस पैटर्न के ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, तो ये 330 को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे 330 को टेस्ट कर सकता है, और ये इस पैटर्न को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो 300 को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। आपको नज़र रखनी है मूविंग एवरेज पे, जो कि अभी 318 है। 315 से नीचे, 315 से नीचे 300 तक पॉसिबिलिटी हाई है, और अगर ये यहाँ से 320 से ऊपर जाता है तो 320 से 330 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, मार्केट को आपने अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, रिस्क अपने आप मैनेज करना है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग मेंटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपके पास मेल आ जाएगी। आपको एक रेफरल अकाउंट ओपन करना है जीरोधा पे, और फिर आपको 4-5 फैसिलिटीज़ उसमें मिलेंगी, कि आपको क्वार्टरली एक सेमिनार मिलेगा सीखने के लिए, लाइव मार्केट में चार्ट्स मिलेंगे देखने के लिए कि चार्ट लाइव मार्केट में चार्ट से कैसे सीखा जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्पिंग हैंड एक मिलेगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो नीचे दिए गूगल डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के दिन कोई अच्छा हमारा रिस्पॉन्स नहीं रहा है टेलीग्राम चैनल में। 2-3 ट्रेड मैंने शेयर किए थे जिनमें कि स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कोई भी ट्रेड आज अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो ट्रेनिंग बैच में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उन्होंने ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। देखिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मैसेज आया कि बिग कैंडल को इन्होंने लास्ट में बजाज फिनसर्व में कैच कर लिया, 5,86,32,5,937, यानी कि 37 37 74 पॉइंट्स को इन्होंने कैच कर लिया 3:10 के बाद। अरुण जी ने ट्रेनिंग ली थी अभी लास्ट बैच में, और इनके ट्रेनिंग फीस जो है एक ही ट्रेड में कवर हो गई है दोस्तों। तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं अगर ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो जो हैंडल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे टेलीग्राम का, ट्रेड दी ट्रेंड 99, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मेंटर ग्रुप में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।